रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ मैं आपको कटिंग बताऊंगी सलवार सूट की। तो यहाँ मैं तीनों सूट के सेट है, तो यहाँ मैं काट लूँगी सबको। तो ये मेरे सबसे पहले मैं इसको कट करूँगी, कॉटन का सूट है। तो यहाँ पर मैं शलवार है, तो यहाँ मैं इसको कट करूँगी। तो यहाँ मेरी शलवार की लंबाई जो है 38 इंच की है, तो मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और 38 इंच का इस पर तीरा लगा के नाप करके और मैं इसको 38 इंच से कट कर लूँगी। और मैं 7 इंचज़ यहाँ पर बेल्ट का अलग से निकाल लूँगी और 2 इंचज़ में मोरी का मैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी। तो यहाँ मेरी 38 इंच आई थी और यहाँ मैंने 40 इंच इसमें मोरी का कपड़ा ले लिया और मैं बराबर से पूरा इस कपड़े को कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इसको कट कर लिया कपड़े को, और ये मेरा अब जो बचा हुआ पीस है ये मेरे बेल्ट के काम आ जाएगा। और कमीज में जो भी मगर मुझे डिज़ाइन लगाना होगा तो मैं इससे डिज़ाइन लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने जो पाइजे का जो हिस्सा है होता है जो मैंने उसका, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लूँगी, 9 इंच का लूँगी। तो यहाँ मैंने 9 इंच का लेके और यहाँ मैंने जो कपड़े को फोल्ड कर लिया है बिल्कुल एक समोसे का आकार देखिए, मैंने सलवार का इसका शेप बना लिया है। और यहाँ मैं इसको कट करके और इसका शेप में काट लूँगी इसको पूरा। यहाँ मेरा कपड़ा बराबर हिस्से में आ गया है और यहाँ मैं इसमें अब आसन काट लूँगी। तो यहाँ मैंने आसन 7 इंच का काटा है, 7 इंच की मेरी बेल्ट और 7 इंच का ही मेरा आसन, तो वो 14 इंच में जाता है आराम से, तो बहुत सही रहता है। और यहाँ मैं रुमाली कट कर रही हूँ, तो यहाँ मैं रुमाली में थोड़ी सी गोलाई डालूँगी। तो यहाँ मेरी सलवार कट गई और ये मेरा बचा हुआ पीस जो बचा है कपड़ा। तो यहाँ मैं बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लूँगी, तो ये बेल्ट के लिए मैं 10 इंच का लूँगी। जैसे 7 इंच बेल्ट है और नेफा बनाने में मुझे 2 इंच कपड़ा चाहिए, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ बना लूँगी। और मैंने यहाँ इसकी लंबाई चौड़ाई 10 इंच और चौड़ाई 26 इंच ली है मैंने इसमें। तो ये मेरी बेल्ट भी कट गई है। ये मेरी दोनों चीज़ बस कंप्लीट हो गई और ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा, यहाँ ये इसमें कमीज का कपड़ा है, तो ये आराम से 2.25 मीटर है और ये मुझे आगे जो बैक फ्रंट पे लगानी है। तो मैं इस कपड़े को अच्छे से फैला के इसको बिछा दूंगी। मुझे कुर्ते की लंबाई 40 इंच चाहिए, तो यहाँ मैं कुर्ते की इंच 40 इंच करके मैं इसमें लंबाई का निशान लगा लूँगी। लंबाई लेने के बाद मैं इसमें 12 इंच की फिटिंग रखूंगी और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी, तो मेरी 12 12 बढ़ा के वो 24 इंच हो जाता है। तो यहाँ मैं 12 इंच की फिटिंग रहेगी मेरी और 2 इंच का मार्जिन है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर लूँगी, तो मेरे 7.5 शोल्डर है और 7.5 से मैं एक्स्ट्रा एक इंच ज़्यादा लूँगी, तो यहाँ मेरा 8 इंच का वो हो जाएगा मार्जिन। तो यहाँ मैं तीरा ले लूँगी, 12 इंच का मैंने यहाँ पे फिटिंग ली, तो मैं 2 इंच का इसमें ज़्यादा लूँगी। और यहाँ मेरे चाक की लंबाई आई 13 इंच, तो मैं इसका हाफ करके 6.5 इंच ले लूँगी। तो यहाँ मैं इसको बराबर इससे में काट लूँगी और यहाँ मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी, तो मेरा फिटिंग का निशान आएगा 11.5 इंच। और यहाँ जो सीने की जो फिटिंग है वही सेम फिटिंग यहाँ पे आएगी मेरी 12 इंच, तो ये मेरा कमीज कट गया। और मैं पीछे का बैक साइड का गला काट रही हूँ, तो मैं कमीज में ही गला कट करूँगी। तो मैंने 3 इंच की चौड़ाई ली और 4 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली, बिल्कुल फुल पीछे का मैं बिल्कुल छोटा ही कट करती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कट करती हूँ। यहाँ मेरा जो पीस बचा जो काटा है मैंने, उसी को मैं दूसरे कपड़े पर रख के देखी मैं कैसे कट करूँगी पीछे का गला, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके से मैं पीछे का गला कट करती हूँ। ये मेरा पीछे का कलर कर लिया। कटे हुए कपड़े को आप इस पर रख के कपड़े पे और आराम से आसन से काट लें। ये देखिए मेरा कपड़ा, मेरा पीछे का कलर भी तैयार है सबके। और यहाँ मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। यहाँ मेरी बुकरम, तो यहाँ मैं काटूंगी अब काट के दिखाऊंगी आगे का गला। तो यहाँ मैं गला लूँगी, तो मेरी 3 इंच की इसमें चौड़ाई रहेगी और 5 इंच की मेरी लेंथ रहेगी इसकी।
आगे का गला भी मैं बिल्कुल गोल ही रखूंगी। यहाँ मैं इसको फिनिशिंग से अच्छे से काट के निकाल दूंगी, इसमें एक्स्ट्रा भी मार दूंगी जब अलग से, और मैं इसको भी बिल्कुल गोलाई से इसको काट के, और ये जो मेरा जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसमें रख दूंगी, क्योंकि मैं बहुत आगे कमीज में इसका डिज़ाइन लगाऊंगी गले पे। यहाँ मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया और यहाँ मैं इसमें सिलाई मार दूंगी और इसको मैं तीन इंच की मैं इसमें गले की चौड़ाई नाप रही हूँ, जो इतना भी एक्स्ट्रा है वो कंधे में चला जाता है। अभी हमें काटूंगी इसके आस्तीन, तो मैं आस्तीन को बढ़ाया तो यहाँ मैं इसकी लेंथ लूँगी 19 इंच, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे फोल्डिंग करना होता है, 1 इंच फोल्डिंग में लेना होता है। यहाँ मेरे आस्तीन में थोड़ा सा कपड़ा कम था तो यहाँ मैं लगाऊंगी इसमें जोर, तो यहाँ मेरा बचा हुआ कपड़ा का शेप देते हुए मैं आस्तीन की कटिंग कर लूँगी। मेरा आस्तीन का कोई यूज नहीं है, बस मैं सिंपल ही कटिंग करती हूँ, मेरे को एक एस का डिज़ाइन डालती हूँ, मैं इसमें कटिंग दे देती हूँ। मैं दोनों तरफ ही एक सेम डिज़ाइन रखती हूँ, इससे आस्तीन में आगे पीछे दोनों तरफ अच्छा शेप आता है और गोलाई से आस्तीन रहती है। यहाँ मेरी आस्तीन भी कट हो गई है, मेरा कमीज ये जगह मेरा जोर लग जाएगा तो यहाँ मेरी प्रॉपर आस्तीन की कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ मेरी दोनों चीज़ कट के तैयार हो गई है। तो यहीं मैं अपनी जो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग दूंगी, और यहाँ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं, और इसी मेथड से मेरे ड्रेस को आप काटें।